देख सकते हैं अच्छे से जो ना आपको जो ना नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ज्यादा जूम आउट होता है ना तो क्लियर नहीं रहती पिक्चर। ठीक है, ये क्या है, इतना जो मेटस ब्लैक की जो ना नॉर्मल हिस्टोलॉजी है। इसके बाद जो है ना हम आगे चलें तो यहाँ पे जो है ना ये फिर क्लियर नहीं है पिक्चर। ठीक है, इसमें जो है ना यहाँ पे एक चीज दिखाई दी है कि जो है ना इसका जो ये लास्ट वाला लेमिना है ना, इसका लेमिना जो है ना वीक हो जाता है, ये फर्दर जो है ना एनोरिज्म की तरफ लीड करता है। लाइक जब जो है ना ब्लैक बन जाता है तो वेस्टल के ऊपर एक प्रेशर जो है ना जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो है ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है और वो एनोरिज्म की तरफ लीड करती है। वही यहीं पर दिखाया हुआ है कि जो है ना यहाँ पे मीडिया एक तो बहुत कम है, देखें आप तो ये देखें, ये जो है ना ये लेमिना है, इलास्टिक लेमिना, ये जो ऐसे यूं यूं कलर का दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये वाला ये जो पिंक पिंक दिखाया हुआ है ये मीडिया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है लेमिना भी वो हो गया और ना मीडिया भी बहुत थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे जो ना अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो ना बिल्कुल बहुत कम हो गया है। तो ये बेसिकली हमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जो है ना लीड कर रहा है कि जो है ना जब आर्टरी के ऊपर ब्लैक बनेगा तो उसको जो है ना ये वीक करेगा और ये एनोरिज्म की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है अगली इसमें जो है ना दिखाया हुआ है कि जो है ना यहाँ पे न्योवास्कुलराइजेशन हो रही होती है पेरिफ्री पे, यहाँ पे एक ब्लैक बनता है ना, ये वेसल है, ये ब्लैक बनता है, ये ब्लैक इसकी पेरिफ्री के ऊपर जो है ना न्योवास्कुलराइजेशन हो रही थी, लाइक न्यू ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं। इसके अलावा जो है ना न्यू जो है ना वो इंफ्लामेटरी सेल्स भी एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं और जो ना कैल्सिफिकेशन भी हो रही होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। आपको पता है कि जो है कहीं पर भी नेक्रोसिस हो तो वहाँ पर जो है ना कैल्सिफिकेशन होती है और वहाँ पर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, जो आपने थर्ड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया कि डेबरी, लिक्विड डेबरी पड़ा होता है, इसके अलावा सेल्स भी डाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस नेक्रोसिस की वजह से उस नेक्रोटिक डेबरी के ऊपर जो है ना कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पर जो है ना कैल्सिफिकेशन होती है और जो है ना वो कैल्सिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे कि जो है ना एक हार्ट नोड का बना देगी। ठीक है, खैर ये सिर्फ ना समझने वाली बात है, थ्योरी में इसका इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कैल्सिफिकेशन का नाम लिखा हुआ कि जो है इंफ्लेमेटरी सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं प्लस हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप अगर देखें, मेरी इसमें क्लियर नहीं है, आप जो है ना पिक्चर बुक खोलें, एक छोटा सा ना ऐसे यूं यूं दिखाया हुआ होगा छोटा सा, उसका मतलब ये है कि जो ना वहाँ पे वेसल बन रही है, छोटी सी न्यू ब्लड वेसल बन रही है। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है ना एक सफ़ेद कलर का जो है दिखाया हुआ है जिसमें जो ना ब्लड वेसल बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये थी इसकी न्यू वास्कुलराइजेशन और जो है ना कैल्सिफिकेशन प्लस स्कैटर्ड इंफ्लेमेटरी सेल्स। अब ये जो है ना ये एथ्रोमेटस ब्लैक जो है ना कोरोनरी आर्टरी में जो बने उसकी जो है ना ये दिखाई में, कि जो है ना पहले उसका स्टार्ट में क्या होता है कि जो है ना उसका में एक फाइब्रस कैप होती है और नेक्रोटिक सेंटर होता है और फिर